हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली कमोडिटी। सो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे नेचुरल गैस के फ्यूचर्स यहाँ पर करेंटली मार्केट में किस तरह ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर हमें जो है किस तरह प्राइस मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डेली बेसिस के हिसाब से आप देख सकते हो कि जो मोमेंटम था वो यहाँ पर हमें डाउन साइड के अंदर जो जाते हुए देखने मिला है, बट वहाँ से जो रिकवरी है काफ़ी तगड़ी देखने मिली। मैंने आपको पहले से बताया था कि यहाँ पर बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो यहाँ पर हमें वेट करना है, बट यहाँ पर आप देख लीजिए कि अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जैसे यहाँ पर हाई प्राइस ब्रेक हुआ है डी का, आप देख सकते हो कि एक अच्छी खासी जो लॉन्ग पोजिशन के टारगेट्स हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से ब्रेक होते हुए देखने को मिले हैं। सो अगर टाइमिंग ऑल्सो अगर यहाँ पर ये जो लेवल की बात करो तो मेरे हिसाब से 242 पॉइंट के आसपास यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिला। 245 तक के जो टारगेट्स हैं वो शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के अंदर जायज है और ये जो है कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेंगे। बट फॉर टाइमिंग ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई नई पोजिशन बनानी है सेफ्टी पर्पज के साथ में तो यहाँ पर अबोव द प्राइस ऑफ 248.5 के ऊपर अगर यहाँ पर सस्टेन करना स्टार्ट कर लेता है नेचुरल गैस के फ्यूचर्स तो एक अच्छी खासी जो लॉन्ग पोजीशन है उसके लिए हम यहाँ पर जो है नया ट्रेड बना सकते हैं। एंड शॉर्ट पोजीशन के लिए फॉर अ टाइम बिंग हमें जो है यहाँ पर एटलीस्ट वेट करना चाहिए इस प्राइस बैंड का, दैट इज़ बिलो द प्राइस ऑफ 235 के नीचे अगर यहाँ पर जो है कैंडल जाना स्टार्ट करती है तो हम यहाँ पर जो शॉर्ट पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे बेसिस के हिसाब से मदद कर रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।